question. आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, चंद्र बोस जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जन, सर्वप्रथम तो मैं प्रहलाद साहब का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके सौजन्य से अपने जन्मभूमि में, अपनी संस्कार धानी में एक बार फिर आने का सुनहरा सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ से जब भी आते हैं नर्मदा जी से ऊर्जा लेके जाते हैं, धुनी अपाद पंकज नमामि देवी नर्मदे। तो नर्मदा जी का नाम लेके मैं ये उद्बोधन शुरू करना चाहूंगा। ये भी देखिए, एक बहुत ही ये मैं समझता हूँ किस्मत की बात है। नेताजी वो शख्सियत है जिनकी वजह से आप और मैं आज आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। नहीं तो साहब, ये जो नर्मदा क्लब है ना आपका, वहां पे एक बोर्ड हुआ करता था। जो जिमखाना क्लब है दिल्ली में, वहां पे बोर्ड हुआ करता था एंट्रेंस में। जो डीएसओआई क्लब, सब जगह बोर्ड होते थे, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, यानी भारतीयों हमारी तुलना कुत्तों से की जाती है। ये दौर भी यहां के लोगों ने देखा है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपने आजाद हवा में सांस ली, गुलाम पेड़ियों के साथ सांस नहीं ली। लेकिन इस गुलामी की जगह से छुड़ाने का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो दो टूक शब्दों में आज कहना पड़ेगा, कईयों को अच्छा लगे कईयों को बुरा लगे, कि साहब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से है और उनके 60,000 की आजाद कितने, ध्यान से सुनिए, 26,000 शहीद हो गए, 44% शहादत कबूल किए, सर कटा दिए अपने। ये आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है। मैं तभी बार बार जाके शहर शहर में इस देश की बोल रहा हूं। देखिए साहब, ये आंकड़ा समझिए, 13-13.5 लाख की भारत की सशस्त्र सेनाएं, 13.5 लाख, 1947 से लेके आज तक तकरीबन 75 साल हो रहे हैं, जिसमें कितने शहीद के नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल पे, 25,480, 25,480, कितने में से 3.5 लाख, 13.5 लाख।